गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं आ चुका हूँ हरिद्वार। जी हाँ, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस साल होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड सरकार की कितनी तैयारियां हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना में, श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या देखने की जगह है हरिद्वार में, और ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, और कुंभ में क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा अगर आप कुंभ के बारे में लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं, वो सब जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगा हर की पौड़ी की भव्य शाम की आरती, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जब हरिद्वार में कुंभ आयोजित हुआ था तो लगभग 8 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस बार भी कोरोना की पाबंदियों के बावजूद लाखों तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। अब बात करते हैं आप कैसे यहां पहुंच सकते हैं। तो कई रास्ते हैं, आप फ्लाइट से आ सकते हैं, देहरादून में जोली ग्रांड का हवाई अड्डा है, वहां पहुंच सकते हैं, और वहां से आपको टैक्सी या बस मिल जाएंगे, और वहां से हरिद्वार की डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर। आप रेल से आ सकते हैं, हरिद्वार का जो रेलवे स्टेशन है देश के कई शहरों से कस्बों से ट्रेन रूट के द्वारा कनेक्टेड है। रोडवेज यानी बस से आ सकते हैं आप, कई सरकारी और निजी बस यहाँ दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, उत्तराखंड से जाती हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बसों से भी आ सकते हैं। तो पौड़ी घूमने से पहले भूख लग गई है, कुछ खा लिया जाए। और यहाँ के समोसे की दुकान काफ़ी फेमस है। ये है जी हरिद्वार की फेमस मशहूर पंजाबी लस्सी वाला। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? लस्सी, समोसा, कचौड़ी। हाँ अच्छा, कितने साल पुरानी दुकान है ये? 60 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, आप मालिक हैं? आप मालिक हैं, आपका क्या नाम है? हरमीत वर्मा। अच्छा, तो खिलाइए कुछ समोसा वगैरह। ये इनका समोसा, क्या क्या समोसे में? छोले की सब्जी डाली है, छोले की सब्जी है, चटनी है, और क्या क्या है? ओके, समोसे के अंदर फिलिंग की बात कर रहे हैं आप? ओके, थोड़ा स्पाइसी है पर मजा आ रहा है। भाई साहब, ये रबड़ी, पंजाबी मलाई रबड़ी, ये उड़ दो। पंजाबी मलाई रबड़ी, अब मैं ये ट्राई करने वाला हूँ। दिस इज ऑल्सो नाइस, स्वीटनेस का बैलेंस बहुत बढ़िया बनाया है, मुझे मजा आ गया। ये जी, इसका नाम क्या है? पंजाबी मलाईदार लस्सी। पंजाबी मलाईदार लस्सी, ओके। तो हर चीज मलाईदार है यहाँ पे? जी, लस्सी भी बढ़िया है। क्या मैच में फ्री बांटते हैं आप? जब इंडिया जीतता है। अच्छा, ओके। तो हरमीत जी कह रहे हैं जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और अगर इंडिया जीतता है तो ये फ्री में लस्सी रबड़ी खिलाते हैं, समोसे भी खिलाते हैं लोगों को। तो काफी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई। कुंभ की तैयारियां यहां जोरों शोरों से हैं, जगह जगह पेंट हो रहे हैं, साफ सफाई हो रही है, नई नई सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, लगभग पूरा सरकारी महकमा तेजी से काम कर रहा है ताकि जो महाकुंभ हो रहा है उसको सक्सेसफुल ये लोग बना सकें। पूरा हरिद्वार भगवा रंग में रंगा हुआ है और ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं कुंभ मेले के इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कब कब क्या होने जा रहा है। तो पहला तो ये है, इस बार का जो कुंभ मेला हो रहा है ये सिर्फ 28 दिन का होने जा रहा है, और ये होगा 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक।
चूंकि पहले हरिद्वार में कुंभ 4 महीने का होता रहा है, पर COVID-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुंभ की अवधि को छोटा किया जा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आम भाषा में बोलूं तो कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। और ये गाइडलाइंस क्या क्या हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दूसरा, ये आने वाले 11 मार्च को पहला शाही स्नान होगा यानी महाशिवरात्रि को, दूसरा शाही स्नान होगा 12 अप्रैल को यानी सोमवती अमावस्या को, तीसरा शाही स्नान होगा 14 अप्रैल यानी मेष संक्रांति पर्व पर, और चौथा स्नान होगा 27 अप्रैल यानी चैत्र पूर्णिमा को। अब मैं आपको बताता हूँ भक्तगण कहाँ कहाँ स्नान कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर, जैसे हर की पौड़ी है, गौ घाट है, अष्टी पर्वत घाट है, सुभाष घाट है, राम घाट है, गणेश घाट, चंडी घाट, ऐसे बहुत सारे घाट हैं जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार ने क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं श्रद्धालुओं के लिए। पहला तो ये है, कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, बारे में बताने के लिए जगह जगह चित्रकारी की गई है दीवारों पर, कहीं राम पथ बनाए गए हैं, कहीं आस्था पथ बनाए गए हैं, और इसके साथ ही साथ मंदिरों की भव्यता बढ़ाने के लिए उन्हें खास रंगों से रंगा जा रहा है। पहले हर की पौड़ी के मंदिरों पर लाल और सफेद रंग होते थे, पर इस बार पीला, भगवा, केसरिया रंग का उपयोग किया जा रहा है, तो इस बार आपको सनातन धर्म की पहचान वाले रंग चारों ओर दिखाई देंगे। और घाटों पर जो ब्रिज बने हुए हैं उनको भी केसरिया रंगों में, भगवा रंगों में रंग दिया गया है। हजारों टॉयलेट्स बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, और कुछ टेम्परेरी टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं जो सिटी में जगह जगह रखे जाएंगे। और घाटों पर बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, और स्पेशली लेडीज़ को, जी हाँ, महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो घाटों पर स्नान करने के बाद। और मल्टी लेवल कार पार्किंग का इंतजाम भी किया गया है। एक दिन का कार का चार्ज रहेगा 75 रुपीज़, और बाइक के लिए चार्जेस रहेंगे 35 रुपीज़। घाटों पर स्टील की रेलिंग लगाई गई है ताकि यात्री सुविधा पूर्वक स्नान कर सकें, और इन रेलिंग में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए चेन्स भी लगाई गई हैं, और नई नई सड़कें बनाई गई हैं, ऐसा मैंने बताया, नए नए पुल बनाए गए हैं, सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, जगह जगह पुलिस फोर्स के कैंप बनाए गए हैं जहां से वो लोग पूरे हरिद्वार पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे। और जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं, तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गंगा आरती के लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। घाट पे बड़ी लाइट्स लगाई गई हैं, स्ट्रीट लाइट भी लगाई गई हैं हरिद्वार में, ताकि रात में श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अब जानते हैं कौन कौन जा सकता है, क्या क्या शर्तें रहेंगी, क्या क्या लेके जाना होगा, और कौन कौन से सरकारी नियम लागू हो रहे हैं, क्या SOP है सरकार का, वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। इस मेले को लेकर केंद्र सरकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। जी हाँ, दोनों ही प्रोसीजर, भारत सरकार के भी और उत्तराखंड सरकार के प्रोसीजर लागू होंगे। जो भी श्रद्धालु हरिद्वार स्नान करने के लिए आ रहे हैं, आपको उस SOP की शर्तों का पालन करना होगा। और ये जो नियम हैं, ये पार्किंग स्थल, घाटों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, होटलों, गेस्ट हाउस, आश्रम, धर्मशाला, हर जगह ये नियम लागू होंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, SOP का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा प्रशासन का आदेश है। SOP की कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड सरकार के वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और ई परमिट भी लेके आना होगा। इस वेब पोर्टल का लिंक मैंने वीडियो में दे दिया है, बाकी यहाँ क्या भरना होता है वो आपको बता देता हूँ। आपको डिटेल भरनी होती है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका आधार कार्ड नंबर, कितने लोग आ रहे हैं साथ में आपके, और अन्य आपकी निजी जानकारी इसमें भरनी होगी। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट या ई पास के बिना आपको किसी आश्रम में, धर्मशाला में जगह नहीं मिलेगी। तो एंट्री उसी की होगी जिसके पास पास होगा। जिस दिन आप हरिद्वार आ रहे हैं,
उससे 72 घंटे पहले तक का कोविड निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके आए। 72 घंटों से पुरानी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। और एक बात और, श्रद्धालु अपनी जांच रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, ई पास, आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन में लेकर भी चल सकते हैं और या हार्ड कॉपी में भी लेके जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर आपको एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी, हर समय फेस मास्क पहनना होगा और बिना मास्क के आप पे जुर्माना भी लग सकता है। और श्रद्धालु या श्रद्धालुओं के जत्थे को स्नान करने के लिए अधिकतम 20 मिनट दिए जाएंगे। कुंभ मेले के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर भजन गायन और भंडारे का आयोजन पे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और पर्व स्नान या शाही स्नान के दिन अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी, जैसे फूड की जो शॉप हैं, डेयरी है, दवाई है या पूजा की सामग्री या कंबल इत्यादि की दुकानें ही खुली रहेंगी। 65 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उन सभी को प्रशासन ने यहाँ नहीं आने की एडवाइस दी है। बाकी पूरी SOP अगर आपको पढ़नी है अच्छे से तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अगर आप कुंभ मेले के लिए हरिद्वार आ रहे हैं तो क्या क्या जगह आप जा सकते हैं, देखने की जगह भी है हरिद्वार में काफी अच्छी। जैसे पहला तो हर की पौड़ी आप आएंगे, हर की पौड़ी देखेंगे, स्नान करेंगे। दूसरा है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, जिसे दक्ष महादेव का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि कनखल में है। तीसरा है मैया देवी मंदिर। हरिद्वार को पहले मायापुरी के नाम से जाना जाता था, जो कि देवी माया देवी के कारण था। उन्हीं का एक मंदिर है माया देवी मंदिर। देव मंदिर जो कि गंगा के तट पर है, नील पर्वत पर, जिसको हम चंडी देवी मंदिर भी बोलते हैं। दूसरा है मनसा देवी, जो कि देवी मनसा देवी का मंदिर है, जिसका मतलब है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मनसा। और आप जा सकते हैं स्वामी विवेकानंद पार्क, जी हाँ, जो आपने कभी हरिद्वार की फोटो देखी हो या वीडियो देखी हो, जहाँ पे भगवान शिव की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली मूर्ति है, वो स्वामी विवेकानंद पार्क के अंदर है। और आप देख सकते हैं सप्त ऋषि आश्रम, ऐसा माना जाता है 7 महान ऋषियों वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम और जमदग्नि ने ध्यान करने के लिए इस स्थान पर मुलाकात की थी। देख सकते हैं गंगा आरती, ये हर की पौड़ी पर गंगा आरती होती है। आरती दिन में 2 बार होती है, सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। सुबह की आरती 5:30 बजे और शाम की आरती 6 बजे शुरू होती है। और गंगा आरती से पहले गंगा प्रार्थना होती है, जो कि 5:30 बजे शुरू हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा शाम की भव्य आरती, और गंगा आरती के बाद मैं आपको बाकी बातें बताऊंगा, क्या नहीं करना है, क्या करना है। आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेती है कि पतित पावनी माँ गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। जय मां गंगे पाप नाशिनी।
पति जय शिव शंकर मंगल कर जय मां गंगे हर हर गंगे 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 जय मां गंगे तो दोस्तों गंगा पूजन के बाद गंगा आरती शुरू हो चुकी है। चूंकि समय का अभाव है वीडियो काफी लंबी हो गई है तो पूरी आरती मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आप पूरी आरती देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आरती के लिए एक अलग से पूरा वीडियो डाल दूंगा। और आशा करता हूँ आपको उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में, मतलब श्रद्धालुओं को या जो यात्री आ रहे हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है कुंभ मेले के दौरान। तो पहले बताता हूँ कि क्या करना है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और मेला प्रशासन द्वारा जारी COVID-19 के सभी दिशा निर्देशों या SOPs का पालन करना है और मेले के आयोजन में शामिल विभागों का सहयोग करें। और कुंभ मेले से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कुंभ मेले की वेबसाइट पर जाएं, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहां दिए गए आपातकालीन संपर्क नंबर को यानी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को हमेशा संभाल कर रखें, फ़ोन में सेव कर लें या किसी पेपर पे लिख लें, वो आपके काम आएगा अगर कोई इमरजेंसी आपको पड़ती है। तीसरा, अगर कोई आपको अज्ञात या संदिग्ध वस्तु या कोई गतिविधि आपको दिखती है घाट पे या घाट के आसपास या हरिद्वार में तो तुरंत लोकल अधिकारियों को या लोकल अथॉरिटी को सूचित करें। क्या नहीं करना है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। पवित्र गंगा नदी को साबुन, डिटर्जेंट, पूजन सामग्री से प्रदूषित ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, गंगा नदी में कुछ भी बहा देते हैं, कपड़े बहा देते हैं, साबुन बहा देते हैं, मूर्तियां डाल देते हैं। आरती में भी मैंने देखा लोग बहुत कुछ बहा रहे थे, ऐसा ना करें प्लीज। गंगा को पवित्र रखें, ये हरिद्वार की आत्मा है, हमारे देश की आत्मा है, तो कृपया इसको स्वच्छ रखने में सबका साथ दें। लोग चेंजिंग रूम में कपड़े छोड़ देते हैं, प्लास्टिक की बोतल छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं जगह जगह, ये भी ना करें। घाटों को साफ रखें। ऑल्दो मेला प्रशासन साफ सफाई करता रहेगा पर ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है कि हम घाटों को साफ रखें, आसपास के जो चेंजिंग रूम बने हुए हैं उनको साफ रखें। एक रिक्वेस्ट और है सबसे कि जो हरिद्वार शहर है और जो मेले का क्षेत्र है, मेला क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें, पॉलिथीन को यूज ना करें, इससे और प्रदूषण फैलता है। तो कृपया करके मेरी इन तीन रिक्वेस्ट को जरूर मानिएगा। तो आशा करता हूं आप सब लोग महाकुंभ मेले के त्योहार को पूरे उत्साह और सद्भावना से मनाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल या क्वेरी रह गई हो बताने से वो भी लिखिएगा वहाँ पर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर कर पाऊँ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने जानने वालों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी लोग कुंभ मेले में आना चाहते हैं, हरिद्वार आना चाहते हैं, क्या पता उनको ये वीडियो काम की हो, तो उन सभी के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार और जय माँ गंगा और जय भोलेनाथ।